जब माजिद ने अपना मेकअप स्टार्ट किया गेटअप स्टार्ट किया और जब चार घंटे के बाद वो पीछे हटा तो हमें सबसे अच्छा सरप्राइज़ हमें ये मिला कि जब ये अंदर कमरे में गए तो इनको कमरे से निकाल दिया गया इकरान का आप यहाँ से निकल रहे हैं प्लीज़ मुझे नहीं देखना है आपको तो हमें लगा क्या अगर ये कन्विंस हो गई हैं कि ये यासर हुसैन नहीं आया मेरे कमरे में तो ऑडियंस को तो बड़ी आसानी से हम कर लेंगे कुछ लोगों का एतराज़ था कि इस टॉपिक पर क्यों फिल्म बनाई जा रही है उस पर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मूवी और टाइटुलर कैरेक्टर आप कर रहे हैं आपका क्या रिस्पॉन्स था आई थिंक हर टॉपिक पे मूवी बननी चाहिए और बनती रही हैं अमेरिकन साइको जब उन्होंने बनाई थी तो लोगों ने ये थोड़ी कहा था कि साइको किलर पर मूवी नहीं बननी चाहिए तो ये तो एक ऐसी बात है जो पाकिस्तान में लोग करते हैं हालांकि यही सारे लोग स्क्विड uh, गेम भी देखते हैं जिसका कोई मैसेज uh, नहीं है और इस तरह के बहुत सारे यू uh, एक सीरीज़ आई हुई है जो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे थी तो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे होने का मतलब है कि पाकिस्तान देख रहा है उसे और उसमें एक बंदा दिखाया गया है जो स्टॉकर है तो आप स्टॉकर को क्यों देख रहे हैं उससे क्या मैसेज मिल रहा है आपको एक हिस्ट्री का पीस है बेसिकली तो 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 तफ्तीश इस बात पे हो रही है है कि बच्चे क्यों मारे बगैर असल सवाल पूछो हिस्ट्री का एक पीस आपने कहा तो आपने स्टडी किया जावेद इकबाल की लाइफ को उनकी सारे जो मामला थे सब चीजें थी इस कैरेक्टर के फील लुक पे तो हम फिर आएंगे बट इस फील के लिए उसको परफॉर्म करने के लिए डिड यू स्टडी दिस देखिए मैंने ये स्टडी किया सिर्फ एक तो उनके बारे में कुछ ज्यादा मटीरियल है नहीं तो जावेद इकबाल के बारे में ये था कि एक छोटी सी कोई वीडियो थी उसमें जावेद इकबाल का जो एटीट्यूड नज़र आ रहा है वो ये है कि क्योंकि उसने खुद सरेंडर किया था तो उसमें वो एक चीज़ थी कि यार मतलब मैं खुद आया हूँ आपका कोई कमाल नहीं है इसमें तो वो जो एरगेंस या वो जो प्राइड वो ले रहा था ना उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था आप डायरेक्टर ने जिस तरह से मुझे समझाया कि वो बंदा इन सब चीज़ों से ऊपर है इस पुलिस थाने से ऊपर है मुझे अक्सर वो लोग कमेंट करते हैं कि वो जो आपका पुलिस मोबाइल से उतरने का शॉट है जिसमें आप देख रहे हैं वो बहुत हमें ना वो घूस बम्स देता है तो वो इसीलिए था शायद कि जब वो पुलिस मोबाइल से उतर रहा था ना तो वो उसका मोमेंट ऑफ प्राइड था कि आप लोग मुझे उतार रहे ऐसे हो कि पता नहीं जैसे पकड़ के लाए हो मैं खुद आया हूँ तो वो वो एक चीज को मैंने फॉलो किया और फिर वो बनता गया जो उस कैरेक्टर के बारे में मामलात और सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं था हम किसी सेंस में भी ये नहीं कह सकते उसके बावजूद भी ये प्राइड और ऑब्वियसली आप उस कैरेक्टर में ढल गए होंगे जो उनका सारा वो था वो प्रोसेस उससे निकलना कैसा था वो प्रोसेस क्योंकि आई एम श्योर दिस इज नॉट अ कैरेक्टर यू कैन रिलेट टू बिल्कुल भी नहीं वो इतना अजीब कैरेक्टर था एक दिन हम एक सीन कर रहे थे तो उसमें एक रबिया कुलसूम बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं वो अपना सीन करती थी वो एक माँ बनी है उस बच्चे की जिनका बच्चा खो गया और वो पूछना चाह रही हैं जावेद इकबाल से कि कहीं तुम्हारे हथे तो नहीं चढ़ा वो बच्चा तो वो एक बड़ा इंटेंस सीन था तो वो जब रबिया ने परफॉर्म किया तो मैं एज़ एन एक्टर इतना वनरेबल हुआ हुआ था मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या तो मैं इनको बोला मैंने कहा मुझे बस अगर आप कट नहीं कहते तो शायद मैं धाड़े मार मार के रोने लगता क्योंकि मुझे मुझसे ना अपने इमोशन संभाले नहीं जा रहे थे यासिर ज़्यादातर जो है अपने कॉमिक रोल से जाने जाते हैं उनकी स्क्रिप्ट हों होस्टिंग हो या इवन किरदार किरदारों यासिर को चूज़ करना कैसे आपने सोचा कि ये कैरेक्टर यासिर को करना चाहिए अच्छा मुझे सोचने की जरूरत नहीं है मैं पाकिस्तान के चंद उन गिने चुने लोगों में से हूँ जिन्होंने यासिर को स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हुए देखा है थिएटर के ऊपर तो यासिर आपने कराची से लाहौर में देखा है लाहौर से आगे में देखा है या आप उसको इंस्टाग्राम पर देखते हैं या आप उसको डिफरेंट शोज में देखते हैं और वो यासिर जो एक प्रॉपर एक मैथड एक्टर है जो आप थिएटर के ऊपर मैं उसको देख चुका हूँ तो मुझे पहले से पता था कि ये कैरेक्टर मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यासिर की शक्ल मिलती है जावेद इकबाल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुझे लगता था कि ये कैरेक्टर जितना कॉम्प्लेक्सड है और जितनी इसके अंदर लेयर्स हैं और ये कोई ऐसा ही एक्टर इसको कर पाएगा जो जो साल के तीस दिन में महीने के तीस दिन में से जो है वो अट्ठाईस दिन शूट पर नहीं रहता है आपको जब ऑफर हुआ तो आपके क्या असर थे अरे मेरे साथ जावेद इकबाल का एक अलग ताल्लुक़ है वो ये है कि बहुत साल पहले तकरीबन कुछ छः सात साल पहले एक शॉर्ट फिल्म के लिए मुझे लाहौर बुलाया गया था उसकी स्क्रीनिंग के लिए तो वो जिन्होंने वो शॉर्ट फिल्म बनाई थी उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगला प्रोजेक्ट जो कर रहा हूँ जावेद इकबाल पे कर रहा हूँ तो क्या आप करेंगे तो मैंने कहा यार वाई नॉट ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा मतलब एक, एक ऐसी कहानी आप बना रहे हैं जो बड़ी स्केरी है तो मैंने कहा जरूर करूँगा उन्होंने कहा बस ठीक है बस इसकी तैयारी आप पकड़ें और मैं लिख रहा हूँ और इस तरह बातचीत हो गई ख़त्म हो गई फिर वो बात कहीं गायब हो गई फिर बहुत अरसे बात को एक और साहब मेरे पास आया उन्होंने कहा मैं एक जावेद इकबाल पे एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कैरेक्टर करना चाहिए मैंने कहा जी मैं बिल्कुल करूँगा मुझे पहले भी किसी ने कहा था तो वो फिर गायब हो गए तो उसने कहा कि नहीं नहीं हम वो नहीं हैं आप देखें है, ये वह बनेगी ख़त्म हो गई फिर फिर मेरे पास ये आया उन्होंने कहा मैं जावेद इकबाल पर कह रहा हूँ तो मैंने कहा यार ये तो मेरे साथ मजाक हो रहा है बहुत अच्छे से कि <laughs> जावेद इकबाल बन रही है और मैं आप उसके अंदर होंगे तो मैंने फौरन ही हाँ कर दी थी जाहिर है अस्सी लाख में वी लाख शादीशुदा होने हैं उन वी लाखों के 10 लाख बच्चे होंगे उनमें से पाँच आयशा को कास्ट करने का क्या वो था अगेन बुलबुले इज वन मेजर प्ले जिसमें हमने उन्हें देखा है और भी रोल्स उन्होंने किए हैं लेकिन एक यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो वो क्या उसके पीछे आपका आयशा उमर साहिबा के ऊपर जो एक छाप लग चुकी हुई है खूबसूरत के कैरेक्टर की वो हमें दिखाई देती है वो इतना बड़ा ड्रामा है इतना बड़ा सिटकॉम बन चुका है इतना बड़ा हिट है वो और मुझे लगा कि हम जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ देना चाहते हैं ऑडियंस को चौंकाना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन चॉइस होंगी कि एक बंदी जिस जो सब आपको आपके चेहरे पर कुछ दस साल से मुस्कुराहटें बखेरती हुई आ रही है और वो जब आके रोएगी और वो सौ बच्चों की माओ के लिए रोएगी और वो जब उसको नफरत से देखेगी टारगेट करेगी तो ऑडियंस रिलेट करेगी आयशा के साथ पहले भी काम किया हुआ है इस दफ़ा जब मैंने आयशा के साथ काम किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार वो तो मतलब उसने अपने आप को बिल्कुल बदल के रख दिया इसके लिए आपको मुझसे ज़्यादा शायद आयशा को देख के मजा आएगा इस फिल्म में जब इनिशियली अनाउंस हुई थी फिल्म तो कुछ राइट्स के हवाले से कुछ मामला हो रहे थे और कोई क्लेम कर रहा था कि शायद राइट्स नहीं है आपके पास वो क्या सिलसिला था आई एम ग्लैड कि आपने सवाल किया हमारे मुल्क में जहाँ पे एक पोस्टर बना के ये समझा जाता है कि आप इस फिल्म के राइट्स हमारे पास आ गए हैं एक ब्लॉग लिख के समझा जाता है कि आप इस शख्सियत के ऊपर या इस के ऊपर हमारे अलावा कोई लिख नहीं सकता तो ये सब चीज़ें मेरे जहन में थी तो मैंने पहले इस किताब पर रिसर्च करने के बाद सबसे पहले इसको किताबी शक्ल में शाया किया जब उसके तीन एडिशन बिक चुके थे और उसके बाद फिर मैंने इसको स्क्रिप्ट में शेप किया और फिर मैं यासर हुसैन साहब के पास गया कि आइए ये मिलके फिल्म बनाते हैं और जब इस किस्म के कुछ ट्वीट्स भी आए तो मैंने वहाँ पे उन ट्वीट्स को भी काउंटर किया है और मैंने पब्लिकली इसके ऊपर ट्वीट भी की और पोस्ट भी लगाई है और मेरा आज भी ये कहना है कि आपको अगर इस फिल्म के राइट्स के हवाले से कोई मसला है कॉन्टेंट के हवाले से तो आप फिल्म रिलीज़ होने का वेट मत करें आपके पास वो किताब पढ़ी हुई जिस पर फिल्म बेस है आप उस किताब को पढ़ें उसमें एक जुमला भी आपको लग रहा है कि आपका हमने उठा के लगा लिए तो प्लीज़ आप हम पे केस कीजिए